हाय व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। ये टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये टॉपिक को आप समझते हो तो ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो बेसिकली हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो देख सकते हो मेरे पास एक यहाँ पे ये कनकेव है, कनकेव देखो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है, और ये कन्वेक्स है इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट वो बाहर से ऐसे निकला हुआ होता है। तो ये आपके पास दो मिरर्स हैं। अगर ये मिरर्स आपके पास फिजिकली अगर प्रेजेंट होंगे तो आप कैसे पता करोगे कौन सा मिरर जो है वो कनकेव है और कौन सा मिरर जो है वो कन्वेक्स है? ठीक है, तो आप, मैं देखो दोनों को आपके सामने रखता हूँ। तो इन दोनों में देखो, अगर इसमें आप देखोगे इसमें इमेज काफी छोटी बन रही है, मतलब ये कन्वेक्स है, और इसमें देखोगे इमेज काफी बड़ी बन रही होगी, मतलब ये कनकेव है। तो इमेज छोटी बनेगी तो कन्वेक्स, और इमेज बड़ी बनेगी तो कनकेव। तो आप ऐसे करके पता कर सकते हो कि कौन सा मिरर जो कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ साइन कन्वेंशन। टोटल मेरे पास 5 साइन कन्वेंशन है। तो ये 5 साइन कन्वेंशन एक्चुअली मुझे बताते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को कब पॉजिटिव नेगेटिव आपको लेने होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट जो है उसको कैसे याद रखते हैं। इसको याद रखते हैं कार्टिजन प्लेन से। कार्टिजन प्लेन कहने का मतलब है कि अगर आप इधर लोगे तो ये प्लस लेंगे, इधर लोगे तो माइनस, ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो तरीका याद रखने का है ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मिरर का फेस अगर ऐसे है, अगर मैं फिर मिरर का फेस को ऐसे कर दूंगा, इधर से कर दूंगा, तो ये साइन कन्वेंशन जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये साइन कन्वेंशन को आप कैसे याद रख सकते हो। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से सुनोगे तो साइन कन्वेंशन आपको याद रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले होता है इंसिडेंट रे और दूसरा होता है पोल। तो इंसिडेंट रे का मतलब होता है कि लाइट किधर से आती है, और पोल का मतलब होता है जैसे आपके पास ये मिरर है तो मिरर का जो बीच का जो पार्ट है, मिरर का जो बीच का पार्ट है, आप देखते हो तो मिरर का जो बीच का पार्ट होगा वो मैं बोलता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ पोल। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये दो मिरर्स ले रहा हूँ तो इसमें तो ये तो कलर है, तो लाइट जब भी आएगा मतलब इंसिडेंट रे जब भी आएगा आपको इस साइड से आएगा, इधर भी कलर है मतलब इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा यही होगा और दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि पीछे तो कलर किया हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जब भी आप रखोगे इधर रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पीछे रखोगे तो उसका इमेज कभी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस केस में भी ऑब्जेक्ट को आपको रखने होंगे फॉरवर्ड, पीछे रखोगे तो इमेज फॉरवर्ड नहीं होगा। और पोल जो होता है वो एक्चुअल मिरर का जो होता है बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पहले बना लेता हूँ एक मिरर। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक मिरर बना के रखता हूँ, सपोज करो कि ये मेरे कनकेव मिरर है, तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ ये पोल। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पोल। तो साइन कन्वेंशन में आप देखोगे मैंने आपको बोला दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, नंबर वन पोल और नंबर टू इंसिडेंट रे। तो इस केस में अगर मैं इंसिडेंट रे के बारे में बात करता हूँ तो ये जो डायरेक्शन है आपका है इंसिडेंट रे, मतलब ये डायरेक्शन को अगर मैं पूरा अगर लंबा दिखाता हूँ तो ये डायरेक्शन मेरे लिए क्या है इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे आपको बिल्कुल इधर से इधर जा रही है, मिरर को पार नहीं करेगी, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंसिडेंट का डायरेक्शन किधर है, दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे अब मैं कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को जब भी रखूंगा तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज करो कि ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, ए बी मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है ना, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन क्या है कि आपको सारे डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से, और आपको ध्यान रखना है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। आप इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रूफ दे सकता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास ये स्केल है, ये स्केल है, तो स्केल आप देखो 1, 2, 3, 4 मैंने बना के रखा है। तो स्केल को करना क्या है कि जब भी आप काउंटिंग करते हो स्केल में तो पहले 1 रीड करते हो, 2, 3, सपोज करो कि मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, तो 1, 2, 2.5, मतलब ये डिस्टेंस 2.5 है क्योंकि आप मेजरमेंट इधर से कर रहे हो। ठीक है, अब देखो साइन कन्वेंशन को याद रखने का तरीका क्या है कि आपको जो स्केल है आप सपोज करो कि इसको आपने पिनअप कर दिया पोल पे, तो जब ये पोल पे पिनअप है मतलब ये थ्रू आउट रोटेट कर सकता है, आप इसको जिधर लेके जाना चाहोगे ये बिल्कुल आपका ऐसे करके रोटेट कर सकता है जिधर उधर। ठीक है, सपोज करो कि अब आपको मेजरमेंट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर में रखा हुआ है, तो जब भी आपको मेजरमेंट करनी होती है तो हमेशा वो स्टार्ट करेंगे पोल से, तो यहाँ तो ये पिनअप की हुई है, तो जब इसको आप इधर लेकर के आओगे, जब इसको आप इधर लेकर के आ गए स्केल आ गया इधर, तो जब देखो कितनी दूर पे, तो काउंट करना स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो एक्चुअली हम देखो काउंटिंग में आ रहे हो आप इधर से, मतलब पोल से जा रहे हो उल्टा तरफ, ये उल्टा तरफ आ गया और इंसिडेंट रे इधर। मैं उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और पोल से आप जा रहे हो बिल्कुल रिवर्स,
तो ये साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि कभी भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उसके अपोजिट आप मेजरमेंट करोगे, तो ये होगा आपके लिए नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में बात करूंगा, तो ये मेरे लिए हो जाएगा नेगेटिव। अब सपोज करो कि इसका इमेज जो है वो कहीं भी बन सकता है, इमेज हो सकता है या इधर भी बन सकता है, इधर बन सकता है या फिर इधर कहीं भी बन सकता है, कहीं बन सकता है। तो मेरे को अगर देखना है तो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं दिखाता हूँ यू से, तो यू का वैल्यू मैंने क्या बताया यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव आता हुआ इमेज डिस्टेंस वी के बारे में। तो अब देखो, अगर सपोज करो कि आपका इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये तो भाई यहाँ पे पिनअप किया हुआ है, तो अगर आपको ये मेजरमेंट करने हैं तो आप इस यहीं से यहीं पे अब स्केल को लेके आओगे बिल्कुल ऐसे। तो आप देखोगे फिर से जब मेजरमेंट कर रहे हो तो पोल से आप जा रहे हो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन इन द कंपेयर टू द इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और आप जा रहे हो बिल्कुल ऐसे 1 2 3 जस्ट रिवर्स जा रहे हो। तो इसका मतलब अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके लिए नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे लोगे, अगर ये वाला इमेज डिस्टेंस लोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर आपका इमेज बनता हुआ यहाँ पे बनता है, तो अब देखो अगर ये मेजर करना है तो फिर से मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टिक किया हुआ है पिनअप है। जब इसको मेजर करना है तो जब इसको आप उठा के इसको इधर लेके जाओगे तो आप देखोगे आप मेजरमेंट कैसे करोगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब आप मेजरमेंट में जा रहे हो बिल्कुल इधर तरफ 1 2 3 4, ऐसे आप जा रहे हो अगर मेजर करने के लिए, और आपका इंसिडेंट रे डायरेक्शन सेम है, तो जिधर इंसिडेंट रे आप भी उधर मूव कर रहे हो तो ये आपके लिए हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पार्ट आपके लिए हो जाएगा पॉजिटिव, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा तो ये हो जाएगा आपके लिए पॉजिटिव। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखने को मिला कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, तो साइन कन्वेंशन नंबर 1 यही बोलता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, मतलब जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है पोल, मतलब पोल से आप इधर जाना होगा, इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब आपका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए पोल से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है अगर आप भी उधर मेजरमेंट करोगे तो वो हो जाएगा आपके लिए पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है तो ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो पोल से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ तक मेजर के लिए, तो ये मेरे लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा क्या पॉजिटिव। लेकिन इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा तो मैं इसके लिए क्या जा रहा हूँ उल्टा, तो अगर जिधर इंसिडेंट रहे उसके अपोजिट में आप मेजरमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए नेगेटिव, ठीक है। तो इंसिडेंट ये आपका सेकंड था, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, मतलब इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट जाओगे तो आपके लिए होगा नेगेटिव। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या था नेगेटिव, क्योंकि आप रिवर्स मेजर कर रहे थे, रिवर्स मेजर करते आप देखो ये रिवर्स मेजर कर रहे थे, इंसिडेंट इधर, ये 1 2 3 4 इधर, और अगर इमेज यहाँ फॉर्म करेगा तो इसके लिए भी जो इमेज डिस्टेंस होंगे वो भी होगा आपके लिए नेगेटिव। तो ये 3 साइन कन्वेंशन आपको बता दिया। फोर्थ बहुत इजी है, डिस्टेंस मेजर मेजर अपवर्ड द परपेंडिकुलर, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, मतलब इमेज अगर ऊपर में फॉर्म करता है तो वो आपको लेना होगा पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पे इमेज अगर ऊपर बन रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, तो यहाँ पे मेरे लिए इमेज डिस्टेंस जो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है ये मेरे लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर इमेज अगर नीचे बनता है तो इसके लिए क्या यूज करूंगा नेगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजरमेंट करोगे तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर जाओगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये पूरा साइन कन्वेंशन है। तो इसमें दो चीजें एकदम अच्छे से आप समझ लो कि जब भी आपको मेजरमेंट करना है पोल से तो पोल से करना है, दूसरी बात क्या है जब भी डिस्टेंस मेजर करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है अगर आप भी उधर मेजरमेंट करोगे तो पॉजिटिव, और जहां आपने मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट किया, जैसे इंसिडेंट रे तो फिक्स है, ठीक है, अगर उसका मेजरमेंट उल्टा साइड आप करते हो तो वो लेते हैं नेगेटिव। मैं आपको एक बार इसको मैं कन्वेक्स के केस से समझा लेता हूं ताकि आपके लिए बहुत इजी होगा समझना, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहां पे एक मिरर बनाता हूं कन्वेक्स, तो ये मेरे लिए बन गया कन्वेक्स, ठीक है, ये कन्वेक्स, तो यहाँ पे हो गया मेरे लिए पोल, तो ऑब्जेक्ट जब भी खड़ा होगा आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, और ये डायरेक्शन आपके लिए क्या है इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का। तो जब भी इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा तो देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है। तो अभी अगर मैं बात करूंगा इसके लिए फोक, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो पोल से आप देखोगे मेजरमेंट कैसे करोगे 1 2 3, क्योंकि स्केल इधर जा रहा है
अब देख सकते हो क्योंकि मैंने इसको यहां फिक्स किया था, तो जब स्केल जा रहा है बिल्कुल इधर से मतलब 1 2 3 4, तो इसका मतलब आप जा रहे हो इसका अपोजिट, मतलब पोल से आप जा रहे हो अपोजिट, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा ये होगा नेगेटिव नेगेटिव। अगर सेम केस में अगर इमेज डिस्टेंस का बात करेंगे तो इंसिडेंट टू किधर है, तो पोल से स्टार्ट कर रहा है, तो पोल से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 इधर जा रहे हो, तो इसका मतलब यहां पे जो आपके लिए वी होगा ये होगा आपके लिए एज अ पॉजिटिव। तो ये आपके लिए इमेज डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव। अब मैं आपको बताता हूँ फोकल लेंथ के बारे में। सपोज करो कि आपके पास ये कंकेव है, तो कंकेव है तो ये जब सर्कल बनेगा तो ये बनेगा बिल्कुल इस साइड से, और इसका फोकस जो होगा बिल्कुल यहां पे होगा, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, जब फोकल लेंथ आप पोल से जब मेजर करोगे जब इधर आओगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब एफ इक्वल टू नेगेटिव। और अगर कन्वेक्स का केस लोगे तो ये सर्कल बिल्कुल ऐसे कंप्लीट होगा, इसका फोकस होगा यहां पर। इंसिडेंट अगर आप ये लेते हो कन्वेक्स केस में तो आप देखोगे ये आपके लिए हुआ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बिल्कुल इधर, और फोकस तो यहाँ पे इनसाइड लाइन करेगा, तो जब भी आपको मेजरमेंट करने है पोल से तो आप बढ़ोगे इस साइड 1 2 3 इधर जाओगे, तो इंसिडेंट रे भी इधर है और आप भी इधर जा रहे हो, मतलब इस केस में जो फोकस क्या होगा पॉजिटिव। तो कंकेव के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव और कन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पूरा साइन कन्वेंशन। मैं फिर से बोलता हूँ पोल से मेजरमेंट करना है, जो भी मेजरमेंट होगा सारा पोल से, इंसिडेंट रे की तरफ मेजरमेंट करोगे पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट करोगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारा साइन कन्वेंशन था, आई होप ये समझ लोगे। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जब तक कि आपको किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तब तक वहां पे आप साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे। जैसे इस केस में देखो, अगर मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट में यहां पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके लिए क्या होगा ऐसा नेगेटिव। अगर ये अगर कंकेव होगा, अगर ये कंकेव होता तो इस केस में भी लाइट जो है वो बिल्कुल इधर से होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं, तो इस केस में मेजरमेंट इधर चल रहा है, मतलब यू होता है नेगेटिव। मतलब कंकेव और कन्वेक्स दोनों के केसेस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव, वो हमें पता है, लेकिन कभी आपको अगर न्यूमेरिकल में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने हैं, हालांकि आपको पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पे नेगेटिव पहले से यूज नहीं करोगे, जब आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो खुद ब खुद अपने आप देखोगे वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये आप याद रखोगे जब तक कि किसी का एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए दिया नहीं हुआ है कि इतने से इतने दूर पर रखा हुआ है इसका इमेज यहां बना, तो जब तक उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है आप पहले से साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे। आई होप ये पूरा साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।